वेलकम फ्रेंड्स, योर यूट्यूब चैनल बाबू ऑलराउंड। तो आइए देखते हैं क्या अपडेट है। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन MPPSC द्वारा कराया गया था 14 नवंबर को, उसकी रेस्पॉन्स शीट भी आ गई है। जैसा कि आप पाते हैं कि रेस्पॉन्स शीट में कई आंसर हैं वो गलत हैं, या कोई क्वेश्चन थे जिनके डाटा मिसिंग थे, तो उनमें आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। आज ऑब्जेक्शन की जो लिंक है वो आप साइट पर देख सकते हैं, वो ओपन हो चुकी है। उसकी लिंक भी मैं आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। वो आपको करना क्या, उसके लिए जो डायरेक्शन है, जो क्वेश्चन है वो भी हमने खोज लिए हैं, उनके सोर्सेस क्या रहेंगे वो भी हमने पता कर लिए। तो आपको करना क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो पर क्वेश्चन जैसा कि पता चला है कि 50 रुपीस चार्जेस लग रहे हैं। तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने भी ऑब्जेक्शन के लिए डाल सकते हैं। ऑब्जेक्शन किस प्रकार से करना है तो आप देख लीजिए। तो दोस्तों, ये जो फॉर्म है इसमें आप अपने नंबर भी डाल सकते हैं, आपके कट ऑफ के मार्क्स का प्रेडिक्शन भी हम कर सकते हैं, जिससे इसमें आप है ना, यहाँ से आप और लोगों के नंबर भी देख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या करना है। तो जैसा कि आप जब फॉर्म ओपन करेंगे तो वहाँ पर आप अपना जो है सब्जेक्ट, जिससे भी आपने पेपर लिया है, ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे सिविल इंजीनियर। फिर आप अपना जो पेपर है उसका सेट डाल दीजिए, कौन सा प्रश्न है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसमें फिर आप पाएंगे कि उत्तर किस प्रकार से गलत है। तो इसमें जैसे कि पहले ही आ जाएगा कि जो उत्तर विकल्प है वो ए है, ठीक है, क्वेश्चन उसके अनुसार। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें चार ऑप्शन रहेंगे कि आप आयोग द्वारा जो विकल्प दिया गया है वो गलत है, या फिर एक से अधिक उत्तर गलत हैं या सही हैं, और वहीं सेलेक्ट कर सकते हैं कि सारे उत्तर ही गलत हैं, और या फिर प्रश्न गलत है। जैसे कि किसी भी क्वेश्चन है जिसमें डाटा गलत है या एंड कंडीशन नहीं दी है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ही सही नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो उसमें आप प्रश्न गलत है सिलेक्ट कर दीजिए, उसके रेफरेंस दे दीजिए, सिलेबस का फ़ोटो दे दीजिए, और उसमें बाकायदा मेंशन कर दीजिए डिस्क्रिप्शन में कि ये सिलेबस में नहीं था, ठीक है। वहीं एक से अधिक उत्तर जैसे हैं, यदि आपने वो लगाया है तो उसको भी आप प्रॉपर प्रूफ दे दीजिए। जैसे कि ट्रस वाला क्वेश्चन है, उसमें 4 भी आंसर आ सकता है और 3.85, उसका रेफरेंस IS कोड से आप ले सकते हैं। तो इनके जो भी रेफरेंस है आप देख सकते हैं कि हमने प्रोवाइड कराए। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ जो है t.mp.mb ऑब्जेक्शन पर क्लिक कर देना है और आप सीधे हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। वहाँ पर आपको फाइल भी मिल जाएगी, जैसे कि ये फाइल है, इस फाइल में आपको पूरे जो सोर्सेस हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन की एक पूरी लिस्ट भी है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्ट रहे हैं, ऑब्जेक्शन लगाने हैं या नहीं भी लगाने हैं तो आप अपने क्वेश्चन भी ऐड कर दीजिए। इनके डाटा देख लीजिए आप कि इनके जो डाटा हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, सबका हमने एक प्रॉपर PDF भी बनाई रखी है। जैसे कि विंड सोलर एनर्जी वाले में सोलर एनर्जी आएगा मध्य प्रदेश में, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें। ये तो पुराना डाटा है, मैं आपको नया डाटा, जैसे कि ये देख लीजिए, वहाँ पर नया डाटा की इन्होंने लिंक ये दी है। तो ये मध्य प्रदेश में 2673 सोलर, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सोलर एनर्जी पे MP आगे है, तो ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो पूरे सोर्सेस हमने दे रखे हैं, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन है, उसका PDF है, लिंक है, आप उन सबको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो जो भी आपको डाउट हो ग्रुप में आप मैसेज कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। आप सभी का धन्यवाद।